कल पतंजलि योग पीठ में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आचार्य प्रद्युम्न गुरु जी के सानिध्य में पतंजलि गुरुकुलम में 2 से 8 वर्ष नए बच्चों के लिए विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इन बच्चों को अब पतंजलि गुरुकुलम में सभी विधाओं में शिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज प्रद्युम्न गुरु जी व अपने आचार्यों के समक्ष बच्चों ने अष्टाध्यायी व गीता श्लोकों का वाचन किया। इस अवसर पर आचार्य कुलम के 10वीं कक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दिव्यांशु और वंशिका का पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों से परिचय भी कराया गया। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक आज हम छोटे बच्चे जो 2 साल के से प्रारंभ करके और 8 साल तक के हमारे नए भाई बहन हैं उनके साथ आज यज्ञारंभ पूर्वक हम इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः पुम्ना पृथिवी भवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेवय जने पृष्ठे घ्रिमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब सब मिल करके राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस् जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। निकामे निकामेनः परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो न कल्पताम्। यह गुरुकुलीय परंपरा में एक बहुत बड़ा प्रयोग हम कर रहे हैं, जहां 2 वर्ष से लेकर के और 6, 7, 8 वर्ष तक के, 8 वर्ष तक के प्रयोग तो हमारे गुरुकुलों में चला ही करते थे, लेकिन उससे पूर्व भी, क्योंकि पहले घरों में ऐसा वातावरण हुआ करता था, माता पिता वो स्वयं आचार्य कोटि के हुआ करते थे और गर्भाधान संस्कार से लेकर के पुंसवन सीमंतोन्नयन जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन निषक्रमण चूड़ावेद करण चूड़ाकर्म कर्णवेद आदि जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में दीक्षित होकर के और
एक एक चेष्टा के प्रति सजग होते हुए माता पिता अपने संतानों को दिव्य बनाया करते थे। वो वैदिक भारत एक स्वर्णिम काल था भारत का। अब उसी वैदिक युग की पुनरावृत्ति के लिए एक अनुष्ठान यह प्रारंभ हुआ है पतंजलि गुरुकुलम में, जिसमें ये छोटे बच्चों से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ बच्चे यहाँ सामने बैठे हुए हैं, जिनमें 2 वर्ष वाले बच्चे भी हैं और 6-7 वर्ष वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। और अब एक विशेष आहुति प्रतीकात्मक रूप से यह आपका विद्यारंभ हो रहा है आज। तो इस अग्नि को, अग्नि माने ज्योति, अग्नि माने भगवान और अग्नि माने आगे बढ़ने का जो संकल्प है, इस अग्नि को साक्षी मान करके, भगवान को साक्षी मान करके ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ने का, ज्ञान और दीक्षा से अपने जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प लेते हुए आहुति देंगे। ओम अग्नये समिदमहार्षम बृहते जात वेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवाहम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधावी अहम असानि अनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादो भूयासं स्वाहा। और एक विशेष आहुति, एक व्रत होता है, सब छोटे बच्चे भी सुनो, एक व्रत होता है कि अब हम गुरु के साथ एक हो गए। क्या बोला बच्चों? गुरु के साथ एक हो गए। तो शरीर तो दो रहते हैं, बॉडी तो दो है, लेकिन इस बॉडी के भी जो स्ट्रक्चर में 5 तत्व हैं, जिनको पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश कहते हैं, 5 एलिमेंट्स तो एक ही है, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय और आत्मा भी एक ही है। तो जो दृष्ट है, जो विजिबल, इसके पीछे जो इनविजिबल, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, वो एक ही है। देखने में ये 2 अभिव्यक्तियाँ हैं। तो सब एक साथ बोलेंगे, छोटे बच्चे भी बोलेंगे और बड़े वालों का तो ये संस्कार होगा ही होगा, तो वो भी बोलेंगे। ओम मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचं एकव्रतो जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा वियुनक्तु मह्यम्। तो ये एक बहुत बड़ा संकल्प है कि हमें गुरु के साथ एकात्म होकर के जीना है। गुरु के मन, प्राण, आत्मा, संकल्प से, ज्ञान से, संवेदना से, उनके कर्म से, पुरुषार्थ से, उनके ध्येय से एक रूप होकर के जीना है। तो आइए इस मंत्र से एक आहुति देते हैं। ओम मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वानि युनक्तु मह्यम् स्वाहा। इसका अर्थ ये होता है कि हमें गुरु के साथ एक होना है। क्या होना है? गुरु के साथ बोलो। तो गुरु के साथ एक हो करके जैसे गुरु हमें बनाना चाहते हैं, वैसे अपने आप को बनाना है। अभी कुछ बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया है, कुछ बच्चे अब पुरुषार्थ करने के लिए बड़े रूप में संकल्पित होंगे और संकल्पित हो रहे हैं। तो अब एक विशेष आहुति आप भगवान से प्रार्थना के रूप में कि हे प्रभु, हमारा ये जो संकल्प है, ये संकल्प हमारा पूर्ण हो,
एक इसमें है विद्या का व्रत, क्या है बोलो? दूसरा है इसमें श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, क्या है दूसरा बोलो? तो एक को बोलते हैं विद्याभ्यास, क्या है बोलो? और दूसरा है श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, दूसरा? तो विद्याभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के दिव्य अभ्यास के द्वारा, और फिर तीसरा है कुशलताओं का अभ्यास, किसका? वैसे कुशलताएं अभ्यासों से ही आती हैं, बोलना एक कुशलता है, नेतृत्व एक कुशलता है, पढ़ना पढ़ाना एक कुशलता है, खेती व्यापार और सारे संसार के व्यवहार उसमें एक कुशलता होती है, इसलिए उसको योगः कर्मसु कौशलम कहा है। गीता का श्लोक है ना, योग सह कुरु संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत तस्मात् योगाय योगः कर्मसु कौशलम। तो ये आज का यज्ञ अभी संपन्न हुआ, आप को हर दिन हवन भी करना है। पांच महायज्ञ होते हैं, कितने यज्ञ होते हैं? पंच महायज्ञ। ईश्वर की उपासना करना इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? भगवान सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं का, सब सामर्थ्य का आधार है। हमारे भीतर तीन विशेष सामर्थ्य होते हैं, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। सब बच्चों को जो बताया वो सब याद है ना, और हमें इन तीनों शक्तियों को बढ़ाना है। तीनों शक्तियों को क्या करना है? इसके लिए आपको यहाँ विद्याभ्यास कराएंगे, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास कराएंगे, अलग अलग कुशलताओं में आपको कुशल निपुण बनाएंगे। तो भगवान इन सारी शक्तियों का, सारे सामर्थ्यों का, सारे ऐश्वर्य का, जीवन का, जगत का आधार है। उस भगवान के प्रति कृतज्ञता रखना, भगवान के प्रति थैंकफुल होना, यह है ब्रह्म यज्ञ। क्या है वो? ये इसलिए प्रतिदिन आप ओंकार गायत्री की उपासना और हवन, फिर आगे देव यज्ञ कहते हैं। हवन को क्या कहते हैं? अग्निहोत्र को क्या कहते हैं? देव यज्ञ। सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। किसके प्रति? सारी सृष्टि माने पूरा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स। हमारा ये जो शरीर बना है ये सारे ब्रह्मांड के सहयोग से बना है, पृथ्वी से लेकर के सूर्य चंद्रमा से लेकर के पेड़ पौधे वनस्पतियों से लेकर के जल से लेकर के वायु से लेकर के पूरे अस्तित्व ने हमारा सहयोग किया। तो सारे अस्तित्व के प्रति, सारे ब्रह्मांड के प्रति भी हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। हम इसको ऐसे कहते हैं, सारा ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य कर रहा है और मुझे भी ऐसा बनना है कि मैं सारे ब्रह्मांड की सेवा कर सकूं, ऐसा बनना है अपने को। तो सब कुछ मेरे लिए और मेरा जीवन सबके लिए। सब कुछ किस लिए काम कर रहा है? प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, विजिबल इनविजिबल रूप में पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए कार्य कर रहा है, तो हमारा भी सबके लिए जीवन हो। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं इसको? माता पिता के प्रति कृतज्ञता रखना, इसको बोलते हैं पितृयज्ञ। क्या है बोलो? माता पिता, इनको सम्मान देना, गौरव देना, इनका यश कीर्ति इसको बढ़ाना, और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए, अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलते हुए उसको गौरवान्वित करना, परंपरा को पितृयज्ञ। क्या है बोलो? फिर अतिथि यज्ञ। क्या है बोलो? अतिथि यज्ञ। अतिथि के प्रति श्रद्धा का, गौरव का, आदर का भाव रखना। हम बोलते हैं ना मातृ देवो भव, पितृ आचार्य, अतिथि। ये आपने याद किया था ना सबने? हाँ। और बलि वैश्य देव यज्ञ, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन प्राणियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके लिए, जैसे हमारे यहाँ हम चींटी को भी क्या देते हैं? दाना देते हैं। गाय को भी क्या देते हैं? रोटी देते हैं। ऐसे ही सारे सृष्टि के प्रति
एकात्म होकर के जीना। तो पंच महायज्ञ चतुर्वर्णाश्रम धर्म 16 संस्कार ये हमारे संस्कृति के मूल आधार हैं। तो आपका दिन जो है शुरू होगा योग और यज्ञ के साथ। दिन किसके साथ शुरू होगा? योग और यज्ञ पूर्वक आपके दिन की शुरुआत होगी। फिर दिन में आपको अलग अलग प्रकार की कुशलताओं में निष्णात बनाएंगे और पूरे विश्व में जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं कि मनुष्य को पूरा विकसित कैसे किया जा सकता है। तो एक तो हमारे शरीर का विकास है। किसका विकास है बच्चों? इधर देखो, तो जैसे अब आप मेरे जितने विकसित नहीं हो ना, जो है अब मेरी हाइट कितनी है? आपसे करीब दुगनी है, कुछ बच्चों से दुगनी है और कुछ से डेढ़ गुनी है। आपकी हाइट अभी 3 फीट है, किसी की 2.5 फीट है और मेरी हो गई 5 फीट 7 इंच के करीब। कितनी? कुछ 6 फीट के भी होते हैं। तो आपसे मैं बड़ा हो गया ना, तो मेरे शरीर का विकास हुआ ना। फिर ये एक लेवल पर आकर के रुक जाता है, लेकिन बुद्धि का विकास रुकता ये बढ़ता ही है। जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे ज्ञान, बोलो। तो ज्ञान को बढ़ाना है आपको, तो बुद्धि का विकास करना है, यहाँ शरीर का भी विकास करना है। तो शरीर का विकास होगा व्यायाम से, खेलने से, अच्छा खाने से, वो भी होगा ही होगा सब। फिर बुद्धि का विकास, ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी विशेषता मनुष्य के पास दूसरे प्राणियों से किसके कारण से? बोलो, किसके कारण से? तो हमारे पास क्या है? बोलो, ज्ञान। सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता हमारे पास क्या है? बोलो, ज्ञान हमारे पास में। इसको बढ़ाना हमें, तो योग करेंगे तो शरीर भी हमारा बलवान बनेगा, हमारा मस्तिष्क का विकास होगा, हमारी इंद्रियों पर हमें संयम आएगा। इसको बोलते हैं जितेंद्रियता। क्या बोलते हैं? बोलो, जितेंद्रियता। और शरीर बलवान बनेगा, जितेंद्रिय बनेंगे, बुद्धि का विकास होगा और आत्मा का विकास होगा। किसका विकास होगा? बोलो। तो उसके लिए आपको योगाभ्यास, और योगाभ्यास के साथ विद्याभ्यास, और विद्याभ्यास में सबसे ज्यादा जो विकास होता है मनुष्य के मस्तिष्क का, वो भाषाओं की कुशलता से होता है। किसकी कुशलता से? तो आपको अभी 1 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा तीनों भाषाओं को बोलना सीखना है। बाकी तो हिंदी तो आप सीख ही गए हो, बोलने लग ही गए हो। क्या सीख गए हो? हिंदी तो सीख ही गए हो ना, हिंदी तो बोलते ही हो। तो अधुना संस्कृतम अपि वदिष्यन्ति भवन्तः, किं वदिष्यन्ति? तो आप सब बोलो, वयम् संस्कृतम् वदिष्यामः। संस्कृत भी आपको बोलना है और इंग्लिश भी बोलना है। क्या बोलना है? इंग्लिश के लिए भी आपकी पूरी व्यवस्था की है। कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा बोलना आता है, किसी को कम बोलना आता है, तो इंग्लिश की भी व्यवस्था की है। तो आपको अभी 1 महीने में थोड़ा थोड़ा बोलना सीखना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अभी एक एक वर्ड सीखते हैं और उसको दोहराते हैं, फिर तो वोकेबुलरी उनके अंदर विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, उनका शब्दकोश मजबूत हो जाता है। तो एक एक शब्द करके सीखना है आपको, छोटे बच्चों को भी। फिर इसके साथ साथ स्पेनिश सिखाएंगे अभी आपको। पहले क्या सिखाएंगे? ये जो संदीप जी हैं, ये आपके स्पेनिश के गुरुजी होंगे। किसके? तो एक बार संदीप जी इधर आएंगे, आशीर्वाद लेके जाएंगे। एक बार संदीप जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो ये स्पेनिश के पूरे मास्टर हैं, हा? तो एक बार इनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत श्रद्धा भाव से। अब स्पेनिश में आपको छोटे छोटे शब्द सीखने पड़ेंगे और उसके बाद आप स्पेनिश भी बोल पाएंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद आपको ये जब 3 भाषाएं थोड़ी ठीक हो जाएंगी, तो आपको मैंड्रिन चाइनीज भी सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मैंड्रिन चाइनीज। चाइनीज में भी कई हैं। अब जैसे अपने भारत में ना
भारत में हिंदी तो है ही, फिर गुजराती भी है, कन्नड़ भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम भी है, अलग अलग भाषाएं हैं ना। तो चाइना में कई तरह की चाइनीज बोली जाती है, उसमें मैंड्रिन चाइनीज ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो इससे आपके दिमाग का विकास होगा, भाषाओं की सीखने से दो बातों से दिमाग का सबसे ज्यादा विकास होता है, एक भाषा सीखने से, किसके सीखने से बोलो, भाषा सीखने से, और दूसरा अष्टाध्यायी पढ़ने से। दूसरा अष्टाध्यायी अभी शुरू कर दिया है ना छोटे बच्चों ने, अभी पहले जो याद किया था वो याद है कि भूल गए, सुनाओ। हाँ दीवान सुनाइए, इधर इधर आओ, इधर इधर बैठो, चलो। कितने याद कर लिया? हाँ सुनाओ। वृद्धि विधि लादे चादे गुनाहा ही को कुर विधि मैं था तुलो बा था तुके किंग तीच तीदी वेविताम हलो जनता से योग मुख नाशिका वचन नाशिका हा त्वासे पैना से वना ना जलव इदु देवी वचनम पागी हम अधे सो समात से निपाते कजदांग अत सबूते उषा का जैसे तावनाशे तावनार्थे तावनार्थे उया उया उ उया उया मतलब ये उ उ ही नहीं है, हरियाणा वाला उ ही नहीं है, ये वह हरियाणा में बोलते हैं उ ही कर रहा है। तो दीवान के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितनी आयु हो गई आपकी? चार साल का हो गया, अभी पांचवे भी लगा, अभी इनको ज्यादा बताने की इच्छा रहती है कि मैं चार का नहीं अभी पांच का हो गया हूँ। तो अब इसके साथ साथ इसकी माँ ने भी याद की है सारे सूत्र, मुझे लगता है बच्चा तो पढ़ेगा, माता जी भी अष्टाध्यायी पढ़ लेगी। है तो जोरदार तालियां हो जाए। देखो तो ये अभी इन्होंने याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पहले अभी शुरू कर चुके। और आपने कितना याद किया जी? आइए रामाशीष जी, कितना याद कर लिया? प्रथम पाद पूरा हुआ और आपको कितना हो गया? स्वामी जी प्रथम पाद पूरा याद है, प्रथम पाद पूरा याद है, और दूसरा थोड़ा याद है, और तृतीय अध्याय भी थोड़ा सा याद है। तृतीय अध्याय ये तो सारे के सारों को याद है। अब आप वो सुनाओ पहला, जहाँ से इन्होंने ऊँ उसे समाप्त किया ना, उसे आगे सुनाओ। तृतीय समासे द्वंद्वे च विभाषा जसी प्रथम चरम तयाल पार्थ गतिपयानेमाश्च पूर्व परावर दक्षिण उत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वामी ज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम भय योगोपसंव्यानयो स्वराधीन मातम अव्ययम तद्धितश्चा सर्वव्यक्ति रिण्वे जन्तः त्वात्तो सुनकसनः अव्यय भावश्च श्री सर्वनाम स्थानम सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा एक गण संप्रसारणम अद्यंत। चलो इनके लिए अभिनंदन कर दो। देखो 4000 जिसके दिमाग में सूत्र याद हो जाएंगे, अब उस कितने तो उसका ब्रेन का विकास होगा कि नहीं। जैसे हमारा एक ब्रह्मचारी था, वो 4000 दंड लगाता था, तो उसकी ये जो है पुट्ठे ये भुजाएं उसकी ऐसी होगी जैसे मेरी जंघाएं हैं। कितने? 4000 दंड लगाए। कितनी दंड? तो 4000 दंड लगाने से जब शरीर मजबूत हो जाता है, तो 4000 सूत्र याद करने से दिमाग भी सुपर कंप्यूटर जैसा हो जाता है। ये प्रोसीजर है, ये मैकेनिज्म है। तो
अभी ये जो 8 साल के बच्चे, 8-9 साल के बच्चे हैं, वो तो 6 महीने से लेकर के 1 साल में याद कर लेते हैं। कितने दिन में? अभी आपको अष्टाध्यायी भी याद करा रहे हैं, क्योंकि कई शास्त्र एक साथ याद करा रहे हैं, तो उससे दिमाग पूरा, पढ़ने से दिमाग कमजोर नहीं होता, दिमाग पर भार नहीं आता। आजकल एक उल्टी पुल्टी बात चल रही है कि बोले दिमाग पर बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत प्रेशर नहीं आता है, ना पढ़ने से दिमाग ठप हो जाता है, ना पढ़ने से दिमाग क्या हो जाता है, ठप है जी, अवरुद्ध हो जाता है दिमाग सारा, क्या हो जाता है, दिमाग के सारे तंतु बेकार हो जाते हैं। देखो ये तो छोटे बच्चे हैं, अब गीता कितने याद कर ली, कितने कितने अध्याय हो गए, कुल 7 अध्याय याद हो गए, गुरु पूर्णिमा तक पूरा करना है। और गुरु पूर्णिमा तक आप में से भी कुछ बच्चे, कितने बच्चे पूरा कर लेंगे, ये वाले इधर तो करेंगे ही करेंगे, आपको कितने अध्याय याद हो गए हैं, सबको, जो पुराने वाले बच्चे उनको कितने याद हैं, जिसको पूरी हो गई है, नाम क्या है, अंतिम इधर आओ, अंतिम ने पूरी गीता याद कर ली, एक बार जोरदार अभिनंदन करो, हाँ? अंतिम जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है जी, गंगांजलि जी किधर है, आप भी आइए, दोनों आइए। तो ये तो हमारे 2 बच्चे ऐसे हैं, इन्होंने पूरी गीता कंठस्थ कर ली है। और कितने दिन हुए बेटा आपको अभी इधर पतंजलि गुरुकुलम में? 1 साल में पूरी गीता याद कर ली है, जोरदार अभिनंदन है।